दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने भी एमआर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है जो कि ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए और साथ ही साथ आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किएगा, ठीक है। तो इच्छुक स्टूडेंट ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके खरीद लीजिए, बहुत ही बेस्ट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी एमआर के लिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट 20, और जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 19 तक क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग अभी तक नहीं देखें तो उसको जाके जल्दी से क्लियर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मैथ का भी है, साइंस का भी है, और जितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी के सवाल हैं वहाँ पर मिल जाएगा, और कुछ वीडियो करंट अफेयर्स का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको भी साथ ही साथ क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और जैसे कि आपके लिए एक छोटा सा नोट्स बन चुका है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको जाके इंस्टाग्राम पर ले लेना, ठीक है। देखिए, आपको कैसे लेना होगा, एक मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद, ठीक है, क्योंकि जो आपका मैसेज आएगा ना उसको देख कर उस पर नोट्स को सेंड कर दूंगा। तो देखिए, वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम के लिए फिनिश हो जाएगा, उसको जाके जरूर लीजिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, आज का मेरा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, और यहाँ से एक नंबर का सवाल आपके एमआर के एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में भी दिया गया, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 8। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 में, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 6। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 4 है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 में, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ये भी सवाल एग्जाम में रिपीटेड है, एमआर के एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन ए में जलोढ़, बी में काली, सी में लाल और डी में लैटराइट। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़, ठीक है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी भैया? जलोढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 में, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए में जलोढ़, बी में काली, सी में लाल और डी में लैटराइट। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 में, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लैटराइट, ठीक है, याद रखिएगा अवरोही क्रम को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? जलवायु एवं संरचना की विविधता, बी में संरचना एवं उच्चाव की विविधता, सी में जलवायु एवं उच्चावच की विविधता और डी में। तो इसका देखिए, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 7 में, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? जलोढ़, रुक्ष यानी शुष्क, सी में काली और डी में लाल। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़, ठीक है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 में, नवीन जलोढ़ मिट्टी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खादर, बांगर, सी में कल्लर और डी में रेगुड़, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर के नाम से, ठीक है, खादर के नाम से भी जाना जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को, एक अन्य नाम से खादर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, ठीक है, कल्लर और डी में रेगुड़। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, पहला का हो गया, मतलब 8 का हो गया ऑप्शन ए, खादर के नाम से, और इसका हो गया 9 का ऑप्शन बी, हो जाएगा बांगर के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न में, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी, ठीक है, तल्लोचन से, ठीक है, तल्लोचन से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 11 में, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना? 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर या फिर 100 मीटर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 मीटर, ठीक है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग
600 मीटर नीचे, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार के लिए, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ हमको क्लियर, आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखिए क्या है ना कि बच्चे सोचते हैं कि सर क्या ये सवाल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए आपको 25 हमने सवाल करवाया, उसमें ये मत सोचिएगा कि 25 सवाल में 25 ही सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बस ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना, खूब अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसमें हम आपको बता रहा हूँ, इसमें खास करके लगभग 15 से 17 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और बाकी जो प्रश्न है अब इसमें ऐड है तो उसको भी लेकर चलना है ना, ऐसा तो नहीं कि बार बार इसको मान लीजिए कि ये एक्चुअली में तो 10th इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम मतलब कि क्या करें, इसको हम अभी क्या करें, इसको अगर यहाँ से हटाते भी हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, 9 के बाद 11 आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी लेके चलना होता है साथ में कंबाइन, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट 15 से 17 प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 में गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, 11 और 12 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बांगर, खादर, कल्लर, रेगुड़, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर, ठीक है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 में गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भावर, बांगर, खादर, तराई, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, ठीक है, हम लोग ऊपर शायद पढ़े, ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है और वही सवाल रिपीटेड हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 15 में भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए में 20%, बी में 24%, सी में 29% और डी में 33%, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24% भाग का प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 16 में है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसमें क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, नाम क्या दिया जाता है भैया, रे, कल्लर, रेगुड़, दोमट, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोमट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 में भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियम युग में दरारी उद्भेदन, ठीक है, उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी से, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस, ठीक है, क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निपेक्षित पदार्थ से बनी है भैया, ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन बी, काली मिट्टी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 18 में निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 में कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 में लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और डी में लेटराइट मिट्टी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है भैया, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 21 में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सी में गुजरात और डी में इनमें से सभी, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 22 में काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, गेहूं, कपास, चावल, जूट, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देख लीजिए 23 में, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली, ठीक है, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? काली मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 24 में, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बी में इनमें सॉरी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने के लिए क्षमता होती है, या फिर सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, और डी में इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए काली मिट्टी जो होता है ना, देखिए इसमें सो ये तो सवाल नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन इसको छोटा करके पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी को मतलब कि जुताई किया जाता है, मतलब कि मिट्टी के संबंध निम्न से कौन सा असत्य है। ठीक है, यानी कि ये तीनों सत्य है, बाकी ये जो डी है असत्य है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 25 में, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंड से हुई है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, काली मिट्टी। थक गए यार बोलते बोलते। ठीक है, 24 का ऑप्शन डी और 25 का हो गया ऑप्शन ए, काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये रहा आज का 25 सवाल। अगर आपको कहीं डाउट लगा होगा कि सर की तरफ से कहीं मिस्टेक है किसी भी आंसर में, मतलब कहीं पे भी दिक्कत है, तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि सर आपने यहाँ पे गलती की है। देखिए अगर आपको ज़्यादा डाउट पहले लगता है अगर आपको, तो आप एक बार पहले आप खुद से गूगल पे सर्च कीजिए, भले कि आप कमेंट में मत कीजिए कि सर आपने गलत बताया, क्योंकि मैंने देखा हूँ फिजिक्स में ही और कल के ही वीडियो मैंने देखा कि सर आपका आंसर है दो तीन गलत है। मैंने जाके गूगल पे सर्च किया, एक्चुअली में यार सब सही था यार मेरा, लेकिन बच्चे का पता नहीं किया डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं। आप जाके एक बार खुद से ही चेक कर लीजिए कि क्या मेरा आंसर गलत है या सर का गलत है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए खुद से। ठीक है, तो यही रहा आज का अपना वीडियो। और देखिए मतलब कि मॉर्निंग में तो वीडियो नहीं आया, इसके लिए तो सॉरी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा फीवर हो गया था, और कल के रात वाले वीडियो में मैंने बोला भी था कि मेरा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं या फिर गलती। ठीक है, देखिए कल सर में दर्द हो गया, उसके बाद मॉर्निंग तक मतलब कि 12 बजे तक रहा, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए आज लेके चलते हैं मिट्टी से संबंधित प्रश्न, तो इसको रट लीजिएगा, एक और पार्ट आएगा इसका और पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।